हेलो स्टूडेंट्स, देख लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात की थी अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। उसके हमने दो टाइप्स क्लासिफाई किए थे, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल और एक इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो आप थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या सीखा था। देखो हम लोगों ने सीखा था कि मतलब हमने और भी प्रोसेस की बात की थी, हमने आइसोकोरिक आइसोबारिक दोनों ही प्रोसेस की बात की थी, पर इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस था वो था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लोगों ने सीखा था कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, जीरो है ना। डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो है तो बताओ डेल्टा यू कितना होगा, जीरो। डेल्टा एच भी कितना होगा, जीरो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, एक आइडल गैस के एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए। मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया था कि अगर आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है या फिर कोई रियल गैस है तो उसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू और डेल्टा एच का जीरो होना जरूरी नहीं है, ठीक। फर्दर हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज किया था और बात की थी क्यू किसके इक्वल होता है, माइनस डब्ल्यू के। ऑल्दो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया था कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हीट विल बी एब्जॉर्ब। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हीट विल बी रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक हमने रिवर्सिबल का वर्क कैलकुलेट करना सीखा था, एक हमने इरिवर्सिबल का वर्क। हाँ जी, तो रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या था अपने पास, हाँ वेरी गुड, 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन, या फिर अगर आप इसे प्रेशर की फॉर्म में लिखना चाहो तो 2.303 एन आर टी लॉग क्या बन जाएगा, पी वन अपॉन पी टू। वहीं पर अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल का तो पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी, ठीक है। इन दोनों को मैंने आपको अलग अलग यूज करना भी सिखाया था क्वेश्चंस के थ्रू, सही है। चलो आज एक तो छोटे मोटे क्वेश्चन और करते हैं, स्टेटमेंट टाइप्स है ना। देखो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में मेनली, मतलब ये मान लो 50% टाइम्स न्यूमेरिकल आते हैं और बाकी 50% टाइम्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको थोड़ा स्टेटमेंट्स को सोचना भी चाहिए। मैं आपको एक डीपीपी भी दूंगा जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स ही होंगे जिनको आपको अलग अलग डायमेंशन से सोचना होगा। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि हम तो सारे ही पॉसिबल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर लें, तो अगर एक बार आपने देखे हुए हैं तो दोबारा आपके सामने कभी एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, एक बार आपने देखा होता विजुलाइज कर सकते हो चीज़ों को। फिर भी आप स्टेटमेंट्स खुद से भी बनाना सीखें, जैसे मैं आपको बनाना सिखाता हूँ इसके ऊपर से एक स्टेटमेंट, कि किस तरह से स्टेटमेंट्स घुमा फिरा के आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जब तक आप इन डायमेंशन को सोचना नहीं सीखोगे आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत करते ही रहोगे। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, एक तो करेक्ट, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है आपको ढूंढना होता है, ठीक है। एक असर्शन रीजन बनता है, तो कभी भी आपको करेक्ट ढूंढना है, आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आप ऑप्शन ए पढ़ोगे, ऑप्शन बी पढ़ोगे, ऑप्शन सी पढ़ोगे, हर ऑप्शन को ऐसे पढ़ो कि यार ये इनकरेक्ट कहाँ हो सकता है। अगर आपसे करेक्ट पूछा है, अगर आप इसी लैंग्वेज में पढ़ोगे इसी टेंडेंसी में कि ये करेक्ट है, तो आपको करेक्ट ही दिखाई देगा। तो हमेशा उल्टा पढ़ें, जब आपसे करेक्ट पूछा गया है तो उसे इनकरेक्ट के लिए पढ़ें कि इनकरेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो आप पढ़ें कि ये करेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इन एन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन More heat in an isothermal compression, in an isothermal compression, more heat is absorbed in an irreversible process as compared to और रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो देखो आपके सामने इक्वेशन Q इक्वल टू क्या होता है, माइनस डब्ल्यू होता है ना। इसमें हवा में चेक ना करें, हमेशा लिख कर चेक करें, बहुत जल्दी चेक हो जाएगा। तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, ठीक है। अब बताओ कौन सा वर्क हो रहा है, कंप्रेशन का वर्क हो रहा है। तो कंप्रेशन का वर्क हो रहा है तो W का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर W पॉजिटिव आएगा तो बताओ Q कैसा आएगा, आएगा ना, ठीक है। और बताओ Q नेगेटिव का मतलब क्या होता है, Q नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, बोलो होगा। अब आप बताओ
कौन से केस में ज्यादा हीट रिलीज होगी, इरिवर्सिबल वाले में या रिवर्सिबल वाले में। तो आप देखो, हमने सीखा है हम कंप्रेशन करवा रहे हैं, कंप्रेशन करवा रहे हैं, तो बताओ किसका वर्क ज्यादा होता है। इरिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल के वर्क से क्या होता है, ज्यादा होता है, होता है ना। इसका मतलब इरिवर्सिबल के केस में जो हीट होगी वो रिवर्सिबल के केस से क्या होगी, ज्यादा। जहां वर्क ज्यादा होगा वहां पर हीट भी क्या होगी, ज्यादा। सही है। चलिए, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स। क्या होना चाहिए, फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो ये बात तो सही है कि इरिवर्सिबल में जो हीट रिलीज होगी वो रिवर्सिबल से ज्यादा होगी, लेकिन भाई साहब यहां ध्यान से पढ़े, इतने से मैं आपसे खेल चुका हूं, मैंने तो हीट एब्जॉर्ब बोला है, जबकि यहां पर हीट क्या हो रही है, रिलीज। तो बाकी सब चीजें सही है, लेकिन क्योंकि मैंने हीट रिलीज बोला है इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगर मैं यहां पर सिर्फ इतना सा लिख देता हीट रिलीज्ड, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होता, 100% करेक्ट होता। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आपको यहां पर मिल सकते हैं, और इन छोटे छोटे स्टेटमेंट्स की वजह से आप यहां पर क्या कर सकते हो, मिस्टेक भी कर सकते हो। ठीक है, यही चीज मैं अगर एक्सपेंशन में बोलता है ना, एक्सपेंशन में, तो फिर एक्सपेंशन के केस में हीट एब्जॉर्ब आती है, लेकिन एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल का वर्क कम होता है, इसलिए जो हीट एब्जॉर्ब होती वो रिवर्सिबल में ज्यादा होती और इरिवर्सिबल में क्या होती, कम। तब भी आपका स्टेटमेंट गलत होता। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपको खुद अपने डायमेंशन सोचने आने चाहिए कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे मैं इस चीज को जज कर सकता हूं और कैसे मैं इसको डिसाइड कर सकता हूं। आ रही बात समझ में आपके? आपको अगर मैं इसका एक और एडवांस डायमेंशन सिखाऊं, तो हम यहां पर रियल और आइडल गैस को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसको कंपेयर कर सकते हैं रियल और आइडल गैस को। चलो अब बात छिड़ी गई है तो वहां पर भी ले चलते हैं। देखें, क्यू इज इक्वल्स टू है -W। ठीक है, मैं एक्सपेंशन की बात कर लेता हूं एक बार। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का वर्क बताओ कैसा आएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क तो नेगेटिव आएगा, तो बताओ क्यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड। बोलो, होगी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि वही आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, एक है आपकी रियल गैस और दूसरी है आइडल गैस। ठीक, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि इस प्रोसेस में क्यू आइडल ज्यादा होगा या क्यू रियल ज्यादा होगा, वो आपको कंपेयर करना है। अब बताओ कैसे कंपेयर करेंगे, आइडिया लगा सकते हो? चलो नहीं सोच सकते हो आप, थोड़ा सा मैं सिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान देना। बताओ आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता है, नो इंट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। सही बात है। तो देखो ये एक आइडियल गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अभी ना तो इनमें कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्शन है, तो अगर इन मॉलिक्यूल्स को दूर जाना है, एक्सपेंड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। तो बताओ मॉलिक्यूल्स को दूर जाने के लिए खुद को कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मैंने अगर प्रेशर कम किया मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, तो क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो एक दूसरे को खींच भी नहीं रहे, तो आसानी से चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं रियल गैस के केस में आ जाऊं, तो रियल गैस के केस में दो चीजें पॉसिबल होती है, या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं जो हम लोगों ने गैसीय स्टेट में पढ़ा है, या फिर कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। अब आप सीखें, ये वही गैस मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, अब अगर गैस एक्सपेंड होगी ऑन एक्सपेंशन, बताओ क्या होगा, गैस हैज टू डू वर्क टू एक्सपेंड अगेंस्ट द अट्रैक्शन फोर्स। सही है। अब मान लो आपने गैस पे 40 जूल वर्क किया, तो 40 का कुछ पार्ट तो किसमें चला जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने में। तो बताओ जो नेटवर्क होगा, हेंस नेटवर्क, है ना, छोटा लिख रहा हूं आप ठीक से लिख लेना, मैं क्योंकि इसीलिए डिक्टेट कर रहा हूं, विल बी लेसर होगा। तो मतलब जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं
तब जो W रियल होगा बताओ वो आइडल से क्या होगा, कम होगा? तो बताओ अगर W रियल W आइडल से कम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, हाँ ठीक है। तो बताओ W रियल अगर W आइडल से कम होगा तो उस केस में हीट जो रिलीज होगी वो भी कौन से केस में ज्यादा होगी, आइडल वाले में, सॉरी हीट जो एब्जॉर्ब होगी, नहीं नहीं हमने उल्टा लिख दिया यार, नेटवर्क विल बी लार्जर होगा। भाई आपको दो तरह का काम करना पड़ रहा है, एक तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक तो आपको गैस को एक्सपेंड करना है और उसके मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। तो हमने उल्टा लिख दिया है, यहां पर रियल गैस का वर्क आइडल गैस के वर्क से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई मुझे इस गैस को एक्सपेंड करने के लिए हीट देनी है, सिंपल सी बात है, यहां कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो जो आप हीट दोगे वो मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली एक्सपेंड करेगी, लेकिन यहां मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो जो आप हीट दोगे पहले तो वो इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करेगी, उसके बाद ही गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो आपको यहां पर ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब इस केस में रियल गैस को जो हीट सप्लाई करनी होगी बताओ वो आइडल गैस के केस से क्या होगी, ज्यादा। समझ रहे हो? सेम चीज यहां, अगर रिपल्शंस डोमिनेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स पहले से ही दूर जाना चाहते हैं, जैसे आपने गैस को हीट सप्लाई की तो उस केस में बताओ क्या होगा, जो क्यू रियल होगा वो क्यू आइडल से क्या होगा, कम। ठीक है, ऑल्दो इसके चांसेस नहीं है क्योंकि इन जनरल आईटीजेई रियल गैस को बहुत कम इन्वॉल्व करता है, छोटे मोटे चीज के लिए इन्वॉल्व कर सकता है बट इतने स्टेटमेंट्स के लिए नहीं करता, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी में रहें, एक लिखे हुए सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर कई तरह के स्टेटमेंट्स आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आपको अपने सोचने के डायमेंशंस बढ़ाने होंगे। पहले नॉर्मल तरीके से बात करो, फिर आप रियल और आइडल गैस के लिए भी इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। सही है, चलिए हमने डिस्कस कर लिया है तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज आर एडियाबेटिक प्रोसेस। आप लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा होगा, सुना होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग, लाइक 20-30% लोग ही जानते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्या डिफरेंस होता है। बाकी के 70% लोग तो फॉर्मूला रटकर बैठ जाते हैं और उससे गलतियां करते रहते हैं। तो आइए सीखते हैं कि क्या डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में और हम लोग कैसे उससे डील करेंगे। तो देखें अपना फोर्थ आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, मैं एक छोटी चीज और बताना भूल गया आपको, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये स्टेटमेंट भी आप लिख लेना, अभी तो प्रोसेस का आपने हेडिंग डाला है। देखो, आपने सीखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये भी एक टर्म कभी कभी आपको लिखा मिल जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, सिर्फ और सिर्फ एक आइडल गैस के लिए। ये स्टेटमेंट में कई बार बोल चुका हूं लेकिन ध्यान रखना, फिर भी आप इसमें गलती कर दोगे। डेल्टा एच कितना होता है, जीरो, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम आइसोथर्मल प्रोसेस को आइस एंथैल्पिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइस एंथैल्पिक प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर एंथैल्पी क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस को कई बार आइस एंथैल्पिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम वापस अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता। कोई एनर्जी एक्सचेंज बोल देना तो गलत बोल देना, एनर्जी एक्सचेंज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो लेकिन आप पहला स्टेटमेंट, देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो आप बोलोगे सर हीट भी तो एनर्जी का ही फॉर्म है, तो मेरे दोस्त वर्क भी तो एनर्जी का फॉर्म है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, वर्क तो हो सकता है ना, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, इसलिए हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज बोलते हैं। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए क्यू कितना हो जाएगा, जीरो। सही, अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, FLTD। तो बताओ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और अगर क्यू जीरो है तो बताओ डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डब्ल्यू आएगा।
फिर से देखो, हमारे पास एक रिलेशन और इस रिलेशन से सीखने को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके बहुत काम में आने वाली हैं। तो क्या है वो दो चीज़ें, बहुत ही ध्यान से देखें, सीखें, समझें और फिर आगे बढ़ें। चलिए, पहला केस एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस। ठीक है, अभी मैं आइडल गैस के लिए लेकर चल रहा हूँ सब कुछ। चलिए, तो जब आइडल गैस का एक्सपेंशन होगा, कौन सा एक्सपेंशन होगा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो बताओ एक्सपेंशन का वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बताओ अगर W नेगेटिव है तो डेल्टा U भी कैसा आएगा? नेगेटिव, उसको मैं लेस देन जीरो लिख लूं। बताओ डेल्टा U का आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो अगर डेल्टा U लेस देन जीरो है तो बताओ डेल्टा T भी क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा। और अगर डेल्टा T लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? टी टू लेस देन टी वन होगा। तो यहाँ पर टी टू कौन सा टेम्परेचर है? अपना फाइनल टेम्परेचर। और बताओ T1 कौन सा टेम्परेचर है? इनिशियल टेम्परेचर है ना? बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक आइडल गैस का एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, उस गैस का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ किसका एक्सपेंशन? बताओ आइडल गैस का। ये आप ध्यान रखना, ऑफ एन आइडल गैस, इसको हाईलाइट भी कर देना, ये आइडल गैस जो टर्म आपने लिखा उसको, टेम्परेचर डिक्रीजेस, जिसका मतलब कूलिंग अकर्स। हाँ, मुझे पता है आपके शातिर दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया, तो फिर रियल गैस के लिए क्या होगा? अभी आते हैं, पहले आइडल गैस के लिए तो बात कर लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको तो सीख लो, उसके बाद उसकी भी बात कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ रहा है? तो अब ये हमारे लिए एक और नया स्टेटमेंट बन चुका है कि जब भी किसी, देखो स्टेटमेंट्स बनते जाएंगे, अगर आप उनको रटने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज होते जाओगे। मैं इतना डिटेल में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको रटना नहीं पड़े, आप खुद हिसाब लगा सकें कि हाँ भाई डब्ल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा यू नेगेटिव है तो टी टू लेस देन टी वन आना ही है। फिर भी अगर आप रटना चाहें, याद रखना चाहें, वो आपकी इच्छा है ना, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या होगा? गैस का कंप्रेशन होता है। तो बताओ जब एक आइडल गैस का कंप्रेशन होगा तो W कैसा आएगा? पॉजिटिव। बताओ W पॉजिटिव तो डेल्टा U भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा U पॉजिटिव तो मतलब T2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन T1। और इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया, दैट इज ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ एन आइडल गैस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, दैट इज हीटिंग अकर्स। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया। अभी देखो, मैंने रिवर्सल रिवर्सल की बात नहीं की है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी आइडल गैस का एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज ही होना है, सार्वभौमिक सत्य। अगर किसी आइडल गैस का कंप्रेशन होना है, कौन सा कंप्रेशन? एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये हमने बात की आइडल गैस के लिए। अब क्योंकि आपने साथ साथ मेरे कॉपी कर लिए होंगे, तो हम बात करते हैं रियल गैस के लिए कि अगर इसकी जगह एक रियल गैस हो तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आए, जैसे मैंने आपसे कहा, ऑल्दो चांसेस बहुत कम होते हैं कि रियल गैस से आपसे कुछ पूछे, लेकिन संभावना को हम नकार नहीं सकते, इसलिए सारी संभावनाओं को कवर करते हैं हम। और देखें, अगर यहीं पर एक रियल गैस होती तो आप हेडिंग डाले इसमें, सब हेडिंग फॉर अ रियल गैस। तो रियल गैस के लिए क्या होता है, याद करो वो दिन जब मैंने आपको गैसीय स्टेट के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या पढ़ाया था? इन्वर्जन टेम्परेचर। तो यहां पर इन्वर्जन टेम्परेचर का एक्चुअल काम में आता है। मैंने वहां पर भी आपसे कहा था कि इन्वर्जन टेम्परेचर आप अभी ठीक से समझ नहीं सकते, इसलिए इसकी डेफिनेशन को रट लो। जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है। तो आज वो दिन आ चुका है जब मैं आपको इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में बताऊं। पहले तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है,
कि आप इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन भूल चुके होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो भी प्रोसेस समझे। मान लो आपके पास एक रियल गैस है और उसका इन्वर्जन टेम्परेचर है मान लो कुछ 300 केल्विन, ठीक है, मैं फॉर्मूला वाले पे भी आऊंगा, मुझे पता है आप लोगों को याद है, मैंने सब सिखाया था। तो देखो क्या होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब, जैसे यह है 300 केल्विन वाली लाइन, आपके पास एक रियल गैस है तो इधर टेम्परेचर होगा लेस देन 300 केल्विन, इधर टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन 300 केल्विन, ठीक। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये सिलेंडर लिया, इसमें पिस्टन लगाया, यहाँ पर एक रियल गैस भरी और उसका एक्सपेंशन करवाया। तो अगर आप एक रियल गैस को उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे एक्सपेंड करवा रहे हो तो गैस कूलिंग शो करेगी। कूलिंग का मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। अगर आप एक रियल गैस को उसके इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेंड करवा रहे हो तो बताओ क्या होगा, बस अब तो आप समझ चुके हो, अगर आप एक्सपेंड कराओगे तो इस गैस की क्या होगी, हीटिंग। इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये वो टेम्परेचर होता है किसी भी रियल गैस के लिए जिसके नीचे अगर आपने उसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाया तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज, मतलब वो क्या शो करती है, कूलिंग। अगर उसके ऊपर आपने उसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाया तो वो क्या शो करने लग जाएगी, उल्टा बिहेवियर, उसका बिहेवियर इन्वर्ट हो चुका है। जहां वो पहले कूलिंग शो कर रही थी अब वो क्या कर रही है, हीटिंग शो कर रही है। तो क्योंकि इस टेम्परेचर के अबाउट गैस का नेचर इन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो किसी भी रियल गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे अगर आपने गैस को एक्सपेंड किया तो वो कूलिंग शो करेगी, और अगर आपने उसके ऊपर उसको एक्सपेंड कर दिया तो वो क्या शो करेगी, हीटिंग शो करेगी। तो एक बात बताओ मुझे काम की, ये इन्वर्जन टेम्परेचर पर क्या करेगी, हीटिंग या कूलिंग? हाँ बस, ये आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, यहां पर नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, दैट इज नो चेंज इन टेम्परेचर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, अगर आपसे वो कुछ पूछ सकता है तो इन जनरल वो आपसे यही पूछेगा कि बताओ अगर एक रियल गैस को उसके इन्वर्जन टेम्परेचर पर एक्सपेंड किया जाए तो वो हीटिंग शो करेगी या कूलिंग। तो आप बोलोगे वो कुछ नहीं करेगी, ना वो हीटिंग शो करेगी ना वो कूलिंग शो करेगी, उसके टेम्परेचर में आपको कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, समझ में आ गया, और आप समझ चुके होंगे जो मैं वहां कहना चाहता हूं। जैसे कि आपने देखा आइडियल गैस, आइडियल गैस में एडियाबेटिक एक्सपेंशन करो, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन रियल गैस में अगर आप इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे हो तब तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और उसके ऊपर हो तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए तो ये आप बना लें एक बार, फिर हम यहीं पे डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। बना लिया? चलिए बना लिया है, तो अब मैं इसे तो कर देता हूं गायब। चलिए ये तो हो गया छूमंतर, और अब आप लिखिए इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन, राइट, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर below which a real gas on adiabatic expansion shows cooling and above which it shows heating, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था किसी भी रियल गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 2A अपॉन RP विच इज 2 times ऑफ इट्स बॉयल्स टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? बॉयल्स टेम्परेचर। तो ये चीज़ हम गैसीय स्टेट में पढ़ चुके हैं, बट वहाँ हमने सिर्फ रटी थी। आज क्योंकि हमने एडियाबेटिक प्रोसेस सीखा है तो हम इस टर्म का अब बहुत अच्छे से सिग्निफिकेंस सीख सकते हैं, सही है। तो ये बेसिक बात, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों तरह के एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। अब हम दोनों को अलग अलग डील करते हैं और देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्या डिफरेंस होता है। चलो तो अब आप हेडिंग डालो नेक्स्ट अपने पार्ट पर, दैट इज रिवर्सिबल
एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो क्या होता है एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये तो हम सीख ही चुके हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिनमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, अगर रिवर्सिबल जीरो है तो बताओ क्यों रिवर्सिबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। भाई हीट पाथ फंक्शन है, तो पाथ फंक्शन है तो हमें साफ साफ लिखना चाहिए कि क्यों रिवर्सिबल जीरो है। मैं बार बार यहाँ ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि आपके आगे काम में आएगा, मैंने आपको आइसोथर्मल में सिखाई थी चीज़। ठीक है, चलिए, क्यों रिवर्सिबल जीरो है तो हमें पता है कि भाई जो डेल्टा यू होगा या जो डब्ल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू। तो एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप डेल्टा यू निकाल लो, सिंपल। डेल्टा यू आ गया तो डब्ल्यू आ जाएगा। अब इसको यूज़ करके हम बहुत सारी फॉर्म बना सकते हैं। देखो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन होता है, या फिर ये भी आप जानते हो कि हम सी वी की जगह कितना लिख सकते हैं, आर अपॉन गामा माइनस वन। देखो वर्क डन का हम एक और फॉर्म बना सकते हैं, दैट इज एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन। अभी देखते हो मैं कन्वर्जन कैसे कर रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्म तो यही है, इसी से अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिख सकता हूँ। या फिर और ध्यान से देखो, मैं इस एन आर को अगर अंदर भेज दूँ तो देखो रिवर्सिबल वर्क डन जो आपके पास बनेगा ना, अभी हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो बनेगा एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन क्या बनेगा, गामा माइनस वन बनेगा। अब एक एडियाबैटिक प्रोसेस में आप ये ध्यान देना, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आपने शुरू किया पी वन वी वन टी वन से, तो यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता है, यहाँ प्रेशर भी बदलता है, वॉल्यूम भी बदलता है और टेम्परेचर भी बदलता है। मतलब आप पी वन वी वन टी वन से कहाँ पहुँचे होंगे, पी टू वी टू और टी टू पर पहुँचे होंगे, सही बात है। चलिए तो अब आप देखो एन आर टी टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टू वी टू माइनस एन आर टी वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। तो ये आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला बन गया एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं। मैंने आपको क्या सिखाया, रिवर्सिबल का वर्क चाहिए तो डेल्टा यू निकाल लो, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी बी टी टू माइनस टी वन, बाकी सब तो क्या है आपके ट्रांसफॉर्मेशन हैं, सही है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर कभी किसी एग्जाम में एडियाबैटिक प्रोसेस में उसने आपको फाइनल टेम्परेचर दे दिया, तो ये मान लो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि आपको फाइनल टेम्परेचर पता है, इनिशियल पता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखनी है, लेकिन वो आपको नहीं देगा, वो बहुत शातिर है, वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो आप ये सीखें कि कैसे हम एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में डिफरेंस ही यही है, थोड़ा सा आपको मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि पहले मैं दोनों को डिराइव करूंगा, उसके बाद जैसे हम न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा मेरे साथ रहें, ध्यान से देखें, टॉपिक से बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो। चलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाए जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखें, यहाँ से आपको एक आपकी आंखें खुलने वाली है, नयन और चक्षु दोनों, अगर आप ये नहीं जानते होंगे तो, और जानते होंगे तो बहुत ही अच्छे, आप बहुत कुछ और नया भी सीखने वाले हो। देखिए मैं छोटे छोटे टर्म्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एडियाबैटिक है, बताओ डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर डी क्यू जीरो तो बताओ डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी डब्ल्यू होगा। बताओ इंटर एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डी यू इक्वल होता है एन सी वी इंटू डी टी, और बताओ डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डी वी होता है ना रिवर्सिबल के लिए। चलिए आइडल गैस को लेते हुए हम एन सी वी, सी वी की जगह लिख सकता हूँ आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस, बताओ पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। तो देखो एन आर से एन आर कैंसिल, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, डी टी के नीचे लाओ टी, तो इक्वेशन क्या बनेगा, डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा माइनस वन इंटू डी वी अपॉन वी, सही है। गामा कैलकुलेट करना हम सीख ही चुके हैं, पहले जान में सी पी सी भी पढ़ा था। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करो, तो देखो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एल एन टी,
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा माइनस वन इंटू एल एन वी, और साथ में आ जाएगा एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एल एन के, लिख रहा हूँ उसको, लिख लूँ ना। चलिए देखें, लॉग की पावर को यूज करें, पावर आ जाएगी आगे, तो एल एन टी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एल एन वी टू द पावर माइनस गामा माइनस वन इंटू के बनेगा ना। एल एन ए प्लस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए इंटू बी। चलिए दोनों साइड से एल एन को हटाओ, तो जैसे ही हटाओगे इक्वेशन क्या बनेगा, टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू वी टू द पावर माइनस गामा माइनस वन। तो इस माइनस वाले टर्म को इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, और जैसे ही प्लस होगा इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सही है, तो ये भी एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, लेकिन हम इसे इस फॉर्म में याद नहीं रखते, इसलिए थोड़ा सा इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म कैसे करूँगा, टी की जगह मैं लिख सकता हूँ पी वी अपॉन एन आर, लिख सकता हूँ, जैसे मैं वैल्यू लिखूंगा, देखो इक्वेशन क्या बनेगा, पी इंटू वी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन एन इंटू आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो देखो एक प्रोसेस में आपने गैस के जो मोल्स ले लिए वो तो ले लिए, आर आपका यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, इसको भेज दो कॉन्स्टेंट के अंदर, तो देखो कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, एक नया कॉन्स्टेंट, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट है, कौन से प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। आप इसको गलती से भी इररिवर्सिबल एडियाबेटिक पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर वैलिड है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक पर वैलिड है। सही है, ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा, लेकिन यूज ये नहीं आता है, क्योंकि हमें यहां पर क्या निकालना होता है, टेम्परेचर। तो यूज आएंगे इसके दूसरे फॉर्म, ये वाले फॉर्म, टेम्परेचर वॉल्यूम वाला और प्रेशर टेम्परेचर वाला। तो उनको हम कैसे, उनको कैसे याद रखें, उनको याद मत रखो, उनको आप यहां से कन्वर्ट करो। कैसे, जैसे ये पी और वी की फॉर्म में है, अगर आपको इसे वी और टी की फॉर्म में लेके जाना है, तो ज्यादा कुछ मत करो, पी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी अपॉन वी। आप तो शॉर्टकट लो, पी की जगह लिख दो टी बाई वी, बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, टी बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देखो इक्वेशन क्या बन गया, टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जो आपने डराइव भी किया था। अगर अगर आपको इसे वी और टी की फॉर्म में ले, सॉरी पी और टी की फॉर्म में लेना है, तो v की जगह लिख दो t बाई पी, तो देखो p इंटू वी की जगह लिखा t बाई पी टू द पावर गामा, तो ये t टू द पावर गामा, ये p टू द पावर गामा ऊपर आएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, p वन माइनस गामा t गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो या तो इस तरीके से या फिर इस इक्वेशन से हम पहले क्या निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। कैलकुलेशंस के लिए तैयार रहें, कैलकुलेशंस आएंगी, करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, पेपर में दी हुई होगी आपको, नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होगी, बात समझ रहे हो। चलिए एक बार फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया, तो हम W निकाल सकते हैं, W इक्वल टू डेल्टा U किसके इक्वल होता है, एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी। तो बस यही एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक का मेन पार्ट है जो आपको सॉल्व करना होगा, सही है। चलिए कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं इररिवर्सिबल एडियाबेटिक की, और फिर एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी करें, फिर देखो अब समझते हैं इररिवर्सिबल एडियाबेटिक को। अच्छा एक सेकेंड, एक और छोटी चीज वो रह जाएगी फिर अपनी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक शुरू करने से पहले मैं आपको ग्राफ तो बनवा दूं। आप देखो आपने एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट बना लिया है, विच इज पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां पर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या ग्राफ बना सकते हैं, पी वी ग्राफ। तो इसका पी वी ग्राफ भी आइसोथर्मल के जैसा ही बनेगा, बस दोनों की स्लोप में डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने भी वाले, डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये सिंपल पीवी ग्राफ है, लेकिन ध्यान रखें ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। कभी भी इसको इररिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ इररिवर्सिबल के लिए हम इस तरह का कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इररिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है। फिर रह जाता है
फिर आप बाद में देखते हो कि यार एकदम से ग्राफ कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने यहाँ बनवा दिया है। चलिए अब सीखते हैं कि क्या डिफरेंस है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। इतनी देर से मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, तो देखो डिफरेंस होता है दोनों के फाइनल टेम्परेचर में और फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के तरीके में। आपने ये सीख लिया, ये डिफरेंस और ये तरीका सीख लिया, तो आप एडियाबेटिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो। रिवर्सिबल एडियाबेटिक में फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं हम पीवी गामा कॉन्स्टेंट से, लेकिन इरिवर्सिबल हम उसको यूज नहीं कर सकते। पहली चीज, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो बताओ क्यों इरिवर्सिबल तो कितना होगा, सही है? चलिए, क्यों इरिवर्सिबल जीरो है तो बताओ डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू इरिवर्सिबल के। अब इसी इक्वेशन का फायदा उठाकर हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू इरिवर्सिबल फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब यहां से कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर थोड़ी देर पहले आपने एक और चीज लिखी थी, वो एक और चीज क्या थी, वो एक और चीज थी ये कि W रिवर्सिबल किसके इक्वल होता है, डेल्टा U के। U कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। जैसे आप A से B आए, ठीक है, तो ये स्टेट वन, ये स्टेट टू। अगर आपके डाउट नहीं आया तो आगे आएगा, इसलिए मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर रहा हूं। आप यहां से यहां आए रिवर्सिबल पाथ से और आप यहां से यहां आए इरिवर्सिबल पाथ से, तो U तो स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो डेल्टा U की वैल्यू सेम आएगी, डेल्टा U के लिए सेम आएगी, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का वर्क भी क्या आना चाहिए, सेम। हाँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? अगर ये पाथ रिवर्सिबल एडियाबैटिक है और ये पाथ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो मेरे दोस्त ये जो फाइनल स्टेट है ना, वो कभी भी सेम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक और एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल टेम्परेचर हमेशा क्या आता है, अलग आता है। सेम इनिशियल स्टेट से आप शुरू करें तो आप कभी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू सेम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचोगे। अगर आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक से यहां पहुंचे और आप इरिवर्सिबल एडियाबैटिक से आ रहे हो, तो आप कभी भी बी पर नहीं पहुंचोगे। उसकी फाइनल स्टेट क्या होगी, हमेशा अलग होगी। तो आप चाहें तो उसे पॉइंट बनाकर यहीं पर लिख दें, डायग्राम बना के, कि फाइनल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैन नॉट बी सेम एज फाइनल टेम्परेचर मे डिफर। समझ रहे हैं आप इस बात को? इस चीज को मैं न्यूमेरिकल से भी प्रूव करूंगा, वहां दोबारा लिखवाऊंगा। तो ये जो डाउट है ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। खैर, मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं और इससे हम निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर। सो आप इसी में सब हेडिंग डाल दें, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर। बस अब हम न्यूमेरिकल पे आ ही रहे हैं, एक बार मैं आपको ये फॉर्म लिखवा दूं। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा। इक्वेशन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या, एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। बताओ डब्ल्यू रिवर्सल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। बताओ क्या मैं वी टू को एन आर टी टू अपॉन पी टू लिख सकता हूं, माइनस वी वन को क्या लिख दूंगा, एन आर टी वन अपॉन पी वन। और इस इक्वेशन को यूज करके आप अपना फाइनल टेम्परेचर क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, दिखने में ये बहुत डिफिकल्ट सा है, लेकिन जो है वो है, आपको यूज करना पड़ेगा। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है, ये आपको पहले से आता है। दूसरी चीज़ मैंने अभी बताई थी, अगर पी एक्सटर्नल दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप उसको किसके इक्वल लेकर चलोगे, फाइनल प्रेशर के इक्वल लेकर चलोगे, सही है? चलिए, तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं और दोनों में डिफरेंस को समझते हैं। चलिए,
इतनी देर से मैं जो कहानी गा रहा हूँ, अब मैं आपको उसको प्रूव करके दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से प्रूव होंगी, कई रिपीट होंगी, कई आपके लिए नई होंगी। तो इसके लिए आप लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, सिम्बॉलिक फॉर्म में, कि आपके पास एक डाईएटॉमिक गैस है, ठीक है। इस डाईएटॉमिक गैस के आपने 2 मोल्स लिए, आपका जो प्रेशर है वो है 5 ATM और जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ से आपको फाइनली पहुँचना है, गैस के मोल्स तो उतने ही हैं, आपने इस गैस को एक्सपेंड किया है 2 ATM तक, तो इस गैस का एक्सपेंशन हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 5 ATM से 2 ATM तक। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इफ फर्स्ट द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली। एंड सेकेंड द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इररिवर्सिबली, ठीक है। तो आप एक ही गैस का सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल प्रेशर, सेम फाइनल स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, तो आ ही नहीं सकती, सेम फाइनल प्रेशर तक एक्सपेंशन करवा रहे हो, एक बार रिवर्सिबल पाथ से, एक बार इररिवर्सिबल पाथ से। आपको यहाँ पर क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच बताना है। कुछ चीज़ें आपको गिवन है जो आपके कैलकुलेशन में काम में आने वाली है, 5/2 to the power -2/7 की वैल्यू आपको 0.76 दी हुई है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। चलो ट्राई करोगे, चलो आप ट्राई बाद में करना, अभी तो मुझे सिखाना है तो मैं सिखाता हूँ, आप आगे ही क्वेश्चंस ट्राई करना। चलिए पहला हम बात करते हैं रिवर्सिबल। अब आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इररिवर्सिबल हो, क्यू की वैल्यू तो कितनी आने वाली है, 0, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक, एक चीज। दूसरा वर्क निकालना है तो बताओ डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, NCV × T2 − T1 बनेगा। चलिए अब देखो क्या क्या दिया है, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए सी वी कितना होता है, भूल गए, 5R/2, है ना। अपने आंसर्स अपने को कैलरीज में देने, ये ध्यान रखना कैलरी में देने भी अपने को आंसर। तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आती है, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो सी वी कितना हो गया, 5R/2। टी वन आपको पता है कितना है, 300 केल्विन, मोल्स भी पता है 2 मोल है, बचा क्या, T2। अगर T2 ढूंढ लिया अपना काम हो गया, तो देखो हम कौन से पाथ की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, आपको P और T वाली फॉर्म बनानी होगी। तो ये तो आपको पता है PV गामा कांस्टेंट होता है, V की जगह लिखो T/P, इक्वेशन क्या बन जाएगा, P1 − γ T γ = कांस्टेंट। तो देखो P11 − γ T1γ किसके इक्वल हो जाएगा, P21 − γ T2γ होगा। तो ध्यान से देखना, T1 को इधर ला रहा हूँ तो मैं T2/T1 to the power γ को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, P1/P2 to the power 1 − γ। इसको इधर भेजूँगा और इसको इधर लाऊँगा, सही है। फिर ये T2/T1 की पावर को इधर भेज दो तो T2/T1 किसके इक्वल बन गया, P1/P2 to the power 1 − γ/γ, और इस T1 को भी आगे भेज दो तो (T1) बन गया। रखो वैल्यूज, बताओ इनिशियल प्रेशर कितना था, 5, फाइनल प्रेशर कितना है, 2 ATM, 1 − γ, डायटोमिक गैस के लिए गामा होता है 7/5, तो अपॉन 7/5 इंटू टेम्परेचर कितना है, 300। ज़रा गौर से देखें, ये बन गया 5/2 to the power 5 − 7 − 2/5 अपॉन 7/5, 5 से 5 गया, ये बन जाएगा −2/7 × 300। और देखो ये वैल्यू आपको दी हुई है 0.76 × 300, तो आप 76 × 3 कर दो
तो बन जाएगा 228 केल्विन। समझ लो, तो मैंने आपसे कहा था अगर कैलकुलेशन नहीं होगी, डिफिकल्ट होगी, तो आपको दी हुई होगी, तो दी हुई है वैल्यू। आ गया फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 228 केल्विन आ गया। तो बस अगर आपका फाइनल टेम्परेचर 228 केल्विन है तो बताओ वर्क डन रिवर्सिबल का विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू, और फॉर्मूला क्या बनेगा, एन मोल्स टू। बताओ सीवी की वैल्यू 5R/2, तो आर की वैल्यू भी 2, कैलोरीज में आंसर दे रहे हैं। T2 की वैल्यू 228 माइनस T1 की वैल्यू 300, तो देखो 2 से गया 2, 5 2 जा 10 और ये कितना बन जाएगा 72, तो आंसर आ गया माइनस 720 कैलोरीज। वर्क नेगेटिव क्यों आया, एक्सपेंशन था, वर्क तो नेगेटिव आना ही था, सही है। ये तो कौन से प्रोसेस की बात हुई, रिवर्सिबल की। वापस से कॉपी करो ताकि फिर मैं आपसे इरिवर्सिबल की बात करूं। अब आओ यहीं पे लेके चलता हूं मैं आपको इरिवर्सिबल तरीके पे, ध्यान देना। रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर कितना आया है, 228, और वर्क डन कितना आया है, 720 कैलोरीज, है ना, माइनस, तो ये बता रहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं कि यही प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, बताओ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्या मैं इस पे पीवी गामा लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता ना। चलिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको सिखाया पहली चीज, इरिवर्सिबल है तो क्यू इरिवर्सिबल तो कितना होगा, जीरो। अच्छा पिछले केस में ना मुझे डेल्टा एच भी निकालना था, तो डेल्टा एच आप निकाल लेना एनसीपी डेल्टा टी लगा के, डेल्टा यू निकाल लिया ना आपने एनसीपी डेल्टा टी से, डेल्टा एच निकालोगे तो एनसीपी इंटू T2 माइनस T1 से आप निकाल लेना, वहां पर सीपी की वैल्यू 7R/2 हो जाएगी। कर लोगे ना इतना काम, तो वो आपके पास शायद 700 आ जाएगा, नहीं वो देख लेना आप जितना भी आता है, 7R/2, 2 से 2 है ना 14 इंटू 72 आएगा, वो आप देख लेना जो भी आता है। चलिए नेक्स्ट इरिवर्सिबल की बात करते हैं, क्यू रिवर्सिबल जीरो है तो जो आपका डेल्टा यू होगा वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू इरिवर्सिबल के। अब यहीं से आपको सब कुछ निकालना है, तो देखो डेल्टा यू तो हो गया एनसीवी इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू, इसकी जगह लिखो NRT2 अपॉन, या पहले तो V2 - V1 लिख लो। क्या आपको V2 और V1 दिया है, नहीं दिया ना, क्या दिया है आपको, तो P2 P1 दिया है, तो आप V2 की जगह क्या लिखोगे, NRT2 अपॉन P2 माइनस NRT1 अपॉन P1। चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, N तो N रखो, बताओ CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5R/2 डायटोमिक गैस है, T2 आपको कैलकुलेट करना है, T1 की वैल्यू कितनी है, 300 इज इक्वल्स टू माइनस, क्या आपको P एक्सटर्नल दिया है, नहीं दिया तो फाइनल प्रेशर के इक्वल लो 2 ATM, NRT2 निकालना है अपॉन P22 माइनस NRT1 की वैल्यू है 300 अपॉन P1 कितना है 5, सही है। तो देखो NR गया, ठीक है, और आप क्या करो यहां से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 5/2 T2 माइनस 750 इज इक्वल्स टू, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस T2 माइनस माइनस प्लस 60 बनेगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो 5/2 T2 प्लस T2 बन जाएगा 7/2 T2 इज इक्वल्स टू 750 प्लस 60 810 है ना। तो देखो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 810 इंटू 2/7, ये वैल्यू कुछ आ रही है, 7 से 81 तो जाएगा ही नहीं, है ना, तो कितनी आ रही है, 231.4 केल्विन, ठीक है, एग्जैक्ट तो वैल्यू आ रही है। चलो तो इतना ही मान लेते हैं इस वैल्यू को, हम लोग अब मानना क्या आई गई T2 की वैल्यू, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है वो, तो कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। आप डिफरेंस समझो, बताओ रिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा था, 228 केल्विन, बताओ इरिवर्सिबल में कितना आ रहा है, 231.4 केल्विन आ रहा है, आ रहा है ना, बताओ किस में ज़्यादा आ रहा है टेम्परेचर, इरिवर्सिबल। ये अपने काम की चीज़ है, इसको भी हम आगे चल के वापस प्रूव भी करेंगे, कंपेयर भी करेंगे, यूज भी करेंगे। अगर एक आइडल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर हमेशा रिवर्सिबल से क्या आएगा, ज़्यादा। खैर अभी मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, अभी तो मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि हमने ही देख लिया है कि अगर आप एक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ से जाओ
तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर हमेशा क्या आएगा, अलग अलग आएगा। आ गया। चलिए, अगर आपको फाइनल टेम्परेचर मिल चुका है तो देखें यहाँ पर भी W इरिवर्सिबल डेल्टा U के इक्वल होगा, डेल्टा यानी N इंटू सी वी की वैल्यू 5R बाय 2, तो R की वैल्यू 2 इंटू T2 माइनस T1, तो 231.4 माइनस कितना हो गया 300। तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें, देखो 2 से 2 गया, 5 टू ज़ा 10 इंटू 30, अगर ये होता तो 70 बचता, तो ये बचेगा 68.6 माइनस साइन के साथ, तो आपका वर्क कितना आ गया माइनस 686 कैलोरीज। आ गया ना, बताओ रिवर्सिबल का वर्क कितना आया था, माइनस 720 कैलोरीज आया था, और वो आना भी था क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है कि अगर किसी आइडल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड हमेशा इरिवर्सिबल के वर्क से क्या आता है, ज्यादा आता है। किया था ना प्रूफ, तो देखो वो चीज हमने यहां पर भी प्रूफ कर लिया, हमें दिख रहा है साफ साफ कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा आएगा और इरिवर्सिबल में क्या आएगा, कम आएगा। तो इस तरह से आप देखें, बस यही डिफरेंस आपको सीखना है। एक बार आपने डिफरेंस सीख लिया तो आप एडियाबेटिक प्रोसेस के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं कर सकते हो। तो जो काम की बात है वो ये है, एक बार यहां पर आए, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा कि क्या है चीज काम की, अगर आपने एक आइडल गैस ली, ठीक है, एक बार उसका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाया, तो देखो फाइनल प्रेशर सेम हो सकता है लेकिन जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो रिवर्सिबल का अलग आएगा, यानी इसकी फाइनल स्टेट अलग हो गई। इरिवर्सिबल के लिए भी आप सेम फाइनल प्रेशर तक पहुंच सकते हो, 2 मोल 2 एटीएम, लेकिन यहां का जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो अलग आएगा। अब देखो फाइनल टेम्परेचर अलग है तो फाइनल वॉल्यूम भी क्या आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा, वो आप V इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की फाइनल स्टेट्स कभी भी सेम नहीं हो सकती है, इन दोनों की फाइनल स्टेट्स हमेशा अलग अलग आएगी। कोई डाउट, बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया क्या होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करें, फिर मैं आपको इसके ऊपर और क्वेश्चंस कराता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। चलिए कॉपी कर लें आप इसे, तो चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक और क्वेश्चन अगर मैं इसके ऊपर सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, चलो दोनों में थोड़ा आपको चीजें सीखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन तो आप लिखें, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम इन अ सिंगल स्टेज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सिंगल स्टेज एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडल गैस, और इस आइडल गैस के लिए आपको गामा दिया हुआ है विच इज 4/3 फ्रॉम 10 atm to 1 atm at 300 Kelvin, ठीक है, और आपको अपना आंसर आगे डाउन में देना है, मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं। ऑप्शन ए है आपका -227 R, ऑप्शन बी इज -250 R, मुझे माइनस नहीं लगाना चाहिए, बर्गन बैलेंस सिस्टम पूछा मैंने आपको, सी ऑप्शन है 405 R और डी ऑप्शन है 205। चलो आपको इस प्रोसेस में क्या करना है, गैस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें जब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखता। देखिए देखो सेकंड क्वेश्चन है, आप करते रहे सॉल्व, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को यहां पर।
चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक गैस है जिसका आप सिंगल स्टेज एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवा रहे हो। देखो सिंगल स्टेज करवा रहे हो तो मतलब प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन निकालना है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है, फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं पता है। तो देखें W इरिवर्सिबल बेसिकली डेल्टा U के इक्वल होगा, और डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, NCV into T2 minus T2। तो मेन चीज है आपको यहां पर T2 कैलकुलेट करना होगा, है ना। चलो T2 कैलकुलेट करने चलते हैं। T2 कैलकुलेट करने के लिए आप NCV into T2 minus T1 को minus Pextended into V2 की जगह लिखोगे NR T2 upon V2 minus NR T1 upon T2। तो लिखोगे ना, चलिए वैल्यूज रखना शुरू करें। एन सी वी, तो सी वी की जगह लिखोगे आप आर अपॉन गामा माइनस वन, तो गामा है 4/3 माइनस वन इंटू टी टू पता नहीं और टी वन कितना है 300। दिस शुड बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, तो पी एक्सटर्नल नहीं दिया है तो फाइनल प्रेशर के बराबर होगा, दैट इज 180। एन आर टी टू आपको निकालना है, पी टू की वैल्यू है 1 माइनस एन आर T1 है 300 और P1 की वैल्यू कितनी है 10। देखो NR कैंसिल, 4 माइनस 3 ऊपर 3 आ जाएगा, ये बनेगा 3T2 माइनस 900 इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस T2 प्लस 30। इस T2 को इधर ले जाओ तो 4T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 930। तो T2 की वैल्यू आ गई 930/4। तो सॉल्व मत करो, ऐसे के ऐसे रख लो, बताओ फाइनल टेंशन मिल गया। अगर आपको फाइनल टेंशन मिल गया तो वर्क डन निकालने के लिए यहां पर वैल्यूज रखें, n तो हो गया 2, cv तो cv की वैल्यू हो जाएगी देखो यहां से 3r * t2 - t1, तो t2 की वैल्यू है 930/4 - t1 कितना है 300। तो अब ध्यान से देखें, 4 पे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 930 - 1200/4, बनेगा ना। देखो 4 से इसका 2 कैंसिल, 1200 में से 930 गया तो ये कितना बचेगा आपके पास 270, है ना, ये वैल्यू बचेगी -270। अल्टीमेटली आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो 3r * -270 / 2, -270 को ये उड़ाएगा कितने टाइम्स, 13.5 टाइम्स, ठीक, और 13.5 * 3 करो तो ये कितना आएगा आपके पास वैल्यू, 3 5 15 5 1 13 3 13 3 कितना हो गया 39 and 1 40, तो ये बचेगा 4, तो ये 135 आएगा, 405। माइनस साइन को वर्क डन में भेज देंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, एडियाबेटिक है, अगर रिवर्सिबल है तो फाइनल टेंपरेचर कैसे निकाल सकते हैं, पीवी गामा यूज करके, और अगर इररिवर्सिबल है तो पहले आप फाइनल टेंपरेचर निकालोगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखें ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, वहां पर सिंगल गैस थी, यहां पर दो गैसेस है, एक गैस है ए, एक गैस है बी, पहले दोनों को मिक्स किया है कंटेनर में, उसके बाद उसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया, वो भी कौन सा वाला, रिवर्सिबल। एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली आपने इस गैस को क्या किया है, एक्सपेंड किया है फ्रॉम 1 liter to 4 liter स्टार्टिंग एट 320 केल्विन, कह रहा है द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी। चलो सबसे पहला काम, जब आपने गैस ए और बी को मिक्स किया है तो सबसे पहला आप काम करो CV of mixture का, ये फॉर्मूला फिजिक्स में भी पढ़ते हो, इसे आप ध्यान रखें, कोई भी दो गैसेस को, ये मैंने थ्योरी में तो नहीं पढ़ाया आपको लेकिन ये आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर आप दो या दो से ज्यादा गैसेस को मिक्स कर रहे हो तो मिक्सचर का CV आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, N1CV1 + N2CV2 / N1 + N2, सही है। चलिए रखे वैल्यूज, गैस ए के मोल्स है 1, उसका CV है 3R, प्लस गैस बी के मोल से 2 और उसका सीवी है 3R/2 अपॉन N1 + N2 हो गई 1 + 2, देखिए आप 6R/3 सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2R आएगा। बस अब आप नॉर्मल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर सीवी 2R है बताओ सीपी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाए,
2R plus R वो कितना हो जाएगा 3R, अगर ये 3R है तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, दैट इज 1.5, बोलो लिख सकता हूँ सही है। अब मुझे निकालना है वर्क, तो क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक है वर्क डन किसके इक्वल होगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है NCV × T2 − T1। आपको यहाँ पर सिर्फ फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है, बताओ प्रोसेस कैसा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए आपको V1 दिया है 1 लीटर, V2 दिया है 4 लीटर, टेम्परेचर T1 दिया है 320 केल्विन और टेम्परेचर T2 आपको कैलकुलेट करना है। याद इक्वेशन T1 V1 गामा -1 इसके इक्वल होगा T2 V2 गामा -1। देखिए यहां से T2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी V1 upon V2 to the power gamma minus 1 into T1। देखो V1 था 1 लीटर, V2 कितना है 4, गामा की वैल्यू 1.5 minus 1 into T1 कितना है 320। तो ध्यान से देखें ये 0.5 बचेगा, यानी root 1/4। Root 1/4 कितना होता है 1/2 into 320। That is final temperature आ गया 160 का। सही है? बस फाइनल टेम्परेचर आ गया, तो यहां पे वैल्यू रखो मोल्स, बताओ टोटल मोल्स मिलाकर कितने हो गए 2 + 1 = 3 into CV की वैल्यू कितनी है 2R, मान लो कैलोरीज में आंसर देना है तो आगे अगर 2 लिखो T2 160 - T1 320। देखो 4 × 3 = 12 और यहां पर कितना बचेगा 160 बचेगा, तो -12 × 160 कैलोरीज। इसको आप सॉल्व कर लो तो अपने प्रोसेस के अंदर काम जाएगा, वर्क डन कर सकते हैं। ये थे आपके पास कुछ इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन्होंने एक चीज सीखी, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था कि जो ध्यान रखनी चीजें अब ये हैं, जब भी किसी गैस का आइडियल गैस का एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज। ठीक, टेम्परेचर डिक्रीज ज्यादा कहां पर होता है ये भी हमने देखा था, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, आपने देखा था कि जब एक्सपेंशन हो रहा था तो रिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हो रहा था और इररिवर्सिबल का क्या हो रहा था कम हो रहा। अब यही चीज हम कंपेयर करने चल रहे हैं, ये तो हमने सीख लिया है कि अगर आप सेम इनिशियल प्रेशर से सेम फाइनल प्रेशर तक एक्सपेंड करो तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इररिवर्सिबल एडियाबेटिक का टेम्परेचर अलग अलग आएगा। हमने ये भी देख लिया क्वेश्चन के अंदर जो हमने इनसे पहले क्वेश्चन किया था कि वहां पर इररिवर्सिबल का फाइनल टेंपरेचर रिवर्सिबल से ज्यादा था, तो क्या हमेशा इररिवर्सिबल का फाइनल टेंपरेचर रिवर्सिबल से ज्यादा होगा या वो कभी कम भी हो सकता है, यही हम लोग अब सीखने जा रहे हैं और कंपेयर करने जा रहे हैं। अभी कॉपी करें फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। Comparison of final temperature in reversible and irreversible adiabatic process। बहुत ही ध्यान से देखें, पहले तो हम रिजल्ट बना कैसे रहे, इंपॉर्टेंट चीज रिजल्ट तो याद रखना बहुत ही आसान है लेकिन आपको याद ही नहीं रखना पड़े उसके लिए आपको इसका लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है, तो बहुत ध्यान से देखें बहुत आसान है। चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक्सपेंशन के लिए, ठीक, तो हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुने आप वरना साइंस में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक के लिए क्यू तो कितना होगा 0, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक, डेल्टा यू किसके इक्वल होता है डब्ल्यू, और सिंस वर्क डन नेगेटिव होता है तो डेल्टा यू भी क्या होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, अब देखो जो टेम्परेचर का डिक्रीज होना है वो डब्ल्यू के नेगेटिव होने पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन है तो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इररिवर्सिबल हो वर्क तो दोनों का क्या आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन जिसका वर्क ज्यादा नेगेटिव आएगा उसके टेम्परेचर में डिक्रीज भी क्या होगा ज्यादा। तो आप मुझे बताओ, ये हम लोगों ने सीखा था पहले भी, अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं केस ऑफ एक्सपेंशन, बताओ एक्सपेंशन के लिए
रिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है, मतलब रिवर्सिबल का नेगेटिव वर्क ज्यादा होगा बताओ, उसके टेम्परेचर में डिक्रीज भी क्या होगा ज्यादा, इरिवर्सिबल का नेगेटिव वर्क क्या होगा कम, उसके टेम्परेचर में डिक्रीज भी क्या होगा कम। अब ध्यान दें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि रिवर्सिबल का वर्क है 500 केल्विन, बताओ इरिवर्सिबल का वर्क कितना होगा 300 केल्विन, मैग्नीट्यूड वाइज ही बड़ा है। अब हम साइन के साथ बात करेंगे तो देखो डेल्टा यू की वैल्यू यहां आएगी -500 और यहां डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी -300। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी। ठीक, तो डेल्टा यू के लिए अगर यहाँ ज्यादा नेगेटिव है मतलब ये जो चेंज होगा टेम्परेचर का वो भी ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर में डिक्रीज क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। तो इस चीज को आप समझें, क्योंकि एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है, तो रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है तो वर्क की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी तो टेम्परेचर में डिक्रीज भी क्या होगा ज्यादा। यहाँ पे आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो, सिंस मोर वर्क इज डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन सो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी मोर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड हेंस अब आप देखो, मान लो आपने 300 केल्विन से शुरू किया, कितने से शुरू किया 300 केल्विन से, बताओ किसका डिक्रीज ज्यादा होने वाला है, रिवर्सिबल का। तो मान लो इरिवर्सिबल में टेम्परेचर आया 250 का, बताओ अगर इरिवर्सिबल में 250 तक आया तो रिवर्सिबल में कितना आएगा, 250 से भी नीचे जाएगा ना, मान लो 220 चला गया जाएगा ना, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल में टेम्परेचर क्या होने वाला है, ज्यादा डिक्रीज होने वाला है। अगर रिवर्सिबल में डिक्रीज ज्यादा होने वाला है तो देखो रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल के फाइनल टेम्परेचर से क्या आएगा कम, वही चीज हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, एंड हेंस फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ग्रेटर। यानी हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो टी फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन क्या आएगा, टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल। अगर गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, रीजन क्योंकि एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होगा तो टेम्परेचर में डिक्रीज भी क्या होगा ज्यादा। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं अगले केस पर। अगला केस क्या है, अगर गैस का क्या हो रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो, ये भी आप बहुत ध्यान से देखें फिर फाइनल रिजल्ट को हम लोग देख लेंगे। एडियाबेटिक हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन। अब आप देखिए एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो बात तो वही है, क्यों तो जीरो होगा, बताओ डेल्टा यू किसके इक्वल होगा डब्ल्यू, और इस बार डब्ल्यू आएगा ग्रेटर देन जीरो क्योंकि हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। बताओ डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। सही, अब बात वही है, जहां पर वर्क ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर में इंक्रीज भी क्या होगा ज्यादा। तो फिर से कंपेयर करो, फॉर कंप्रेशन अगर हम बात करें, कंप्रेशन बताओ कंप्रेशन के लिए किसका वर्क ज्यादा होता है, वेरी गुड, इस बार क्या होगा क्योंकि आइडल गैस का कंप्रेशन है तो इरिवर्सिबल का वर्क रिवर्सिबल के वर्क से क्या आएगा ज्यादा। अब फिर समझे, क्योंकि इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज भी क्या होगा ज्यादा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से क्या आने वाला है ज्यादा। तो आप फिर से यहां पर स्टेटमेंट फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो, सिंस मोर वर्क इज डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस सो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी मोर फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड हेंस आप क्या लिख सकते हो, इस बार भी जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इरिवर्सिबल का किससे ज्यादा होगा,
रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। तो देखो जो मुद्दे की बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि चाहे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो चाहे एडियाबेटिक कंप्रेशन हो, फाइनल टेम्परेचर तो किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल का ही ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल। तो याद रखने की चीज है वो सिर्फ इतनी सी है, लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो फाइनल टेम्परेचर हमेशा इरिवर्सिबल एडियाबेटिक का ही ज्यादा होगा। सही है, वही हम लोगों ने प्रूव कर लिया है और इस चीज का जरूर ध्यान रखें या फिर कहीं ना कहीं घूम करके काम आए। ठीक है, चलिए कॉपी करें, यहीं पे कंप्लीट होता है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन अब क्योंकि हमने आइसोथर्मल पढ़ लिया है, हमने एडियाबेटिक पढ़ लिया है, अब हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और हमें कंपेयर करना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस को और एडियाबेटिक प्रोसेस को। तो वो कंपेरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कई बार काम में आता है, इसे आप कॉपी करें, हम लोग पढ़ते हैं आगे उसको भी यूज करना। चलिए अब देखें एक और बहुत ही काम का टॉपिक, बहुत ही आसान है, पहले वही जो आपको हमेशा बताता हूँ, पहले हम लॉजिक से बात करेंगे और फिर हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए हेडिंग डालें नेक्स्ट, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। नीचे हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, दोनों ही रिवर्सिबल को हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ही किसके लिए बनाते हैं, रिवर्सिबल। चलिए तो इधर तो हम ले लेते हैं इसको आइसोथर्मल, पहले बेसिक चीजें कंपेयर कर लेते हैं, और यहां हम ले लेते हैं किसको, एडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, तो अगर आपके पास एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इधर यहां पे आपके पास एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, तो देखें एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनता है, PV is equals to constant. बनता है। वहीं अगर आप एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं तो यहां पर इक्वेशन क्या बनता है, PV gamma is equals to constant. बनता है। तो पहला डिफरेंस तो दोनों के इक्वेशन ऑफ स्टेट में है, जहां रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए PV कांस्टेंट होता है, इसके लिए PV gamma कांस्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर PV ग्राफ। अगर आप एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाओ, इसमें ग्राफ बना रहे हो आप प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, तो जो पीवी ग्राफ है, क्योंकि यहां से पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आएगा, ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है, सेम चीज अगर आप पी और वी का ग्राफ एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बनाओ, इसके ग्राफ का नेचर भी वैसा ही बनता है, पर डिफरेंस किसका होता है, स्लोप का। तो स्लोप का डिफरेंस क्या है वो हम देखने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग देखें और मैं आपको नहीं बोलूं कौन सा आइसोथर्मल और कौन सा एडियाबेटिक, तो दोनों ही ग्राफ का नेचर ऑलमोस्ट क्या होता है, एक जैसा ही होता है। तो जब दोनों ग्राफ को एक जगह प्लॉट किया जाता है उनके बीच में आपको डिफरेंस देखना आना चाहिए, है ना, कैसे देखते हैं अभी सीखते हैं। पहले हम यहाँ बात करते हैं, चलो ये पीवी ग्राफ है, इस पीवी ग्राफ की स्लोप निकालते हैं। तो देखो मैथ्स आपने पढ़ी है, अगर आप y और x में ग्राफ बनाओ तो स्लोप होती है dy by dx के बराबर, यहां y की जगह है p और यहां पर x की जगह क्या है, v। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी बताओ वो किसके इक्वल होगी, dp upon dv के इक्वल। समझ रहे हैं ना बात, y की जगह p, v की x की जगह v, तो स्लोप होती है dy by dx, मैथ्स में पढ़ी है, तो यहां स्लोप क्या हो जाएगी, dp upon dv। चलो क्या हम यहां पर कहीं से dp by dv ढूंढ सकते हैं, तो देखो ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट, pv is equals to constant, अगर pv is equals to constant है तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो इंडिपेंडेंटली, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं। कैसे करेंगे, जैसे p को कांस्टेंट मानो तो v का डिफरेंशिएशन dv, प्लस v को कांस्टेंट मानो तो p का डिफरेंशिएशन dp, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। बोलो होगा, यहां से देखो आप, मैं dp by dv के भी निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां से dp by dv निकालूं तो
उसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस पी अपॉन, सही है? चलिए यही काम हम यहां करते हैं। देखो यहां पर भी ग्राफ क्या है, पी अपॉन वी में ही है, तो पी और वी में अगर ग्राफ है तो स्लोप तो इस ग्राफ की भी कितनी होगी, वो ही डीपी अपॉन डीवी होगी। तो चलो इसके लिए डीपी बाई डीवी ढूंढने चलते हैं। इक्वेशन क्या है यहाँ पर, पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करो। देखो पी कॉन्स्टेंट, वी टू द पावर गामा का डिफरेंशिएशन बनेगा गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी, वी का डिफरेंशिएशन प्लस v to the power gamma constant, p का differential कितना बनेगा dp, और ये value कितनी हो गई zero, सही है? थोड़ा arrange करो, इसको इधर भेजोगे तो minus sign आएगा। अगर मैं यहाँ से dp by dv निकालने चलूँ, तो देखना ध्यान से, ये इधर आके minus हो जाएगा, dv को इधर लाओ, v को इधर ले जाओ, equation क्या बनेगा, gamma into p into v to the power gamma minus one minus sign के साथ upon, इसको इधर लाओगे तो वी टू द पावर गामा, ठीक है? इस वी टू द पावर गामा को ऊपर ले जाओ, इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस गामा इनटू पी इनटू वी टू द पावर गामा माइनस वन माइनस गामा। देखो गामा से गामा कैंसिल, तो यहां से अगर आप देखो डीपी बाय डीवी, बताओ डीपी बाय डीवी की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस गामा इनटू वी टू द पावर माइनस को वन अपॉन वी लिख दो तो ये पी अपॉन वी बन जाएगा। अब आप देखें इसको बोलता है इक्वेशन वन और इसको बोलता है इक्वेशन टू। अगर आप इन दोनों ग्राफ की स्लोप कंपेयर करो सेम पॉइंट पर, तो देखो आइसोथर्मल ग्राफ की स्लोप है माइनस पी बाई बी और एडियाबेटिक ग्राफ की स्लोप है माइनस गामा इंटू पी बाई बी। अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो ये पी बाई बी को मैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल लिख सकता हूं। तो यहां से बहुत ही काम की चीज आपने सीखी कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व जो होती है दैट इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ कौन सा कर्व, आइसो। तो जब भी आप एक आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व को कंपेयर करोगे, जब आप कंपेयर करोगे आप कैसे कंपेयर करोगे, उनकी स्लोप से। ये रिलेशन आपके फिजिक्स में भी बहुत काम में आता है। अगर आपके पास एक आइसोथर्मल ग्राफ है और एक एडियाबेटिक ग्राफ है तो एडियाबेटिक ग्राफ की स्लोप विल बी गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, सही है? चलिए तो एक बेसिक सी चीज। अब अभी मैंने दोनों को अलग अलग कंपेयर किया, अब मैं क्या है दोनों को साथ में कंपेयर कर, ध्यान से देखना। इफ एन आइडल गैस इज एक्सपेंडेड, ऐसा करो ना सिंपल ही दो, हम कंपेयर कर रहे हैं पहले फॉर एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, ठीक है? चीजों को रटे ना, समझे, पॉइंट्स बनते जाएंगे लेकिन आप चीज को समझे बहुत आसान है। अब एक्सपेंशन में दो केस हो सकते हैं, केस नंबर वन एक्सपेंडेड टू सेम फाइनल वॉल्यूम, और इसी का दूसरा केस बन सकता है एक्सपेंडेड टू सेम फाइनल प्रेशर, ठीक है? या तो आप सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर रहे हो गैस को, या फिर कहां तक एक्सपेंड कर रहे हो, सेम फाइनल प्रेशर को। बहुत ध्यान से देखना, तो मैं यहां पर पीवी ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, इधर है पी इधर है B, मैंने सेम इनिशियल वॉल्यूम से शुरू किया, V1, ठीक है? और हमने एक्सपेंशन करवाया, तो हम दो कलर यूज कर देते हैं एक्सपेंशन के लिए। देखो एक्सपेंशन भी हमने सेम फाइनल वॉल्यूम तक करवाया है, तो सेम फाइनल वॉल्यूम मान लो है ये, ठीक? देखिए इन दोनों ग्राफ्स में से एक ग्राफ है आइसोथर्मल और एक ग्राफ है एडियाबेटिक, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है और कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक है। तो दोनों का फाइनल वॉल्यूम क्या है, सेम,
तो बहुत आसान है, आपने कंपेयर किया कि भाई एडियाबेटिक ग्राफ की स्लोप क्या है, गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल की स्लोप है। बताओ इन दोनों में से किस ग्राफ की स्लोप ज्यादा है। इस वाले की कुछ नहीं, बैठ के फिसल पट्टी खा लो, फिसल पट्टी खाओगे जहां आपको ज्यादा मजा आ रहा है, यहां पे स्टीप है, बहुत तेजी से आप आ गए, उसकी स्लोप भी क्या होगी ज्यादा। ठीक है, वैसे देख लो, मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊं बढ़ जाना स्लोप को, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, आपको हमेशा काम आएगी। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। हाँ, आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैं आपको केमिस्ट्री में सिखाता हूँ। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड का थंब लें, जहां पर दोनों ग्राफ मर्ज हो रहे हैं वहां पर रखें, ठीक है, अपने हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाने पर जो पहला ग्राफ आएगा वो आइसोथर्मल होगा और जो दूसरा ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, एडियाबेटिक। हाँ जी, यही आपका राइट हैंड थंब रूल, इससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे। देखो, राइट हैंड थंब रखा, क्लॉकवाइज घुमाया, जो पहले ग्राफ आया वो कौन सा है, आइसोथर्मल, और बताओ जो बाद में ग्राफ आया वो कौन सा है, एडियाबेटिक। इतना आपने पहचान लिया, यहां से आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। पहली बात तो एक्सपेंशन हो रहा है, इधर आ रहे हैं। अब आप देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ आइसोथर्मल है, बताओ ये जो प्रेशर होगा इसको मैं प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल बोल सकता हूं। बताओ ये प्रेशर कौन सा होगा, फाइनल प्रेशर ऑफ एडियल, क्योंकि दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो दोनों का फाइनल प्रेशर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, है ना। एक चीज तो आप बोल सकते हो कि फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल विल बी ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर ऑफ एरिया। बोलो, बात समझ में आ रही। दूसरा बताओ इन दोनों में से किस ग्राफ का एरिया ज्यादा है, ब्लू वाले का, है ना, मतलब हम यहां वर्क भी कंपेयर कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन एरिया पैकेज। समझ सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको खुद से देखने आनी चाहिए। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। मैं आपसे बोलूं कि एक आइडल गैस को आपने सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया, एक बार एडियाबेटिक रास्ते से, एक बार आइसोथर्मल रास्ते से, बताओ किस केस में फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा। किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबेटिक के वर्क डन से क्या कर सकते हो। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है आप सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपेंड करो, आप सेम फाइनल प्रेशर तक भी एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, वैसे बना लो ग्राफ, तो देखो ये P, ये V, ये आपका सेम इनिशियल प्रेशर और ये आपका सेम फाइनल प्रेशर, यहाँ P इनिशियल और यहाँ P फाइनल। अब ग्राफ्स कुछ ऐसे आएंगे, रूल आपका अब भी वही एप्लीकेबल है, यहाँ थंब रखें, घुमाएं, जो ग्राफ पहले आया वो कौन सा होगा, आइसोथर्मल, और जो ग्राफ बाद में आया वो कौन सा होगा, एडियाबेटिक। फिर से आप देखें, ये है वॉल्यूम ऑफ एडियाबेटिक और ये है वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल। बताओ इस केस में क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल जो होगा वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ एडियाबेटिक से क्या आएगा। ये हुआ गैस के एक्सपेंशन के केस में। बताओ अगर कंप्रेशन का केस होगा तो उस केस में क्या होगा, इसके लिए आप इसे कॉपी करें, फिर हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन की। तो राइट हैंड थंब रूल याद रखें, वहां से आप वर्क, है ना, वर्क कंपेयर कर सकते हो, प्रेशर कंपेयर कर सकते हो, वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हो। चलिए कॉपी करें, फिर देखते हैं कंप्रेशन के केस में। फिर देखो कंप्रेशन का केस, ठीक, तो कंप्रेशन में वही दो केस बनेंगे, कंप्रेस्ड तो सेम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, पहला केस ले लेते हैं। तो फिर से देखें, आप पीवी ग्राफ बनाएं, इधर लेते हैं प्रेशर को, इधर लेते हैं वॉल्यूम को, इस बार आप सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम तक जाओगे, फिर से वही आपके दो ग्राफ्स बनेंगे, जो
दो ग्राफ्स आपके बनेंगे, दोनों का नेचर तो ऐसा ही होगा, अब बताओ इनमें से कौन सा एडियाबेटिक और कौन सा आइसोथर्मल। तो यहाँ आप स्लोप से जाओगे तो थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, आपको तो मैंने रूल सिखाया, आप तो राइट हैंड थंब रूल लगाए, जैसे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे यहाँ पे रखो घुमाओ, बताओ पहला ग्राफ जो आया वो कौन सा होगा आइसोथर्मल, तो ये तो हो गया आपका आइसोथर्मल ग्राफ, और जो दूसरा ग्राफ आया वो क्या होगा एडियाबेटिक। पहचान गए, बस पहचान गए तो वैल्यूज देखें, ये कौन सा प्रेशर आइसोथर्मल का, ये कौन सा प्रेशर एडियाबेटिक का। अब कहानी बदल चुकी है, अब एडियाबेटिक का फाइनल प्रेशर बताओ आइसोथर्मल के फाइनल प्रेशर से क्या आएगा, ज्यादा। ग्राफ देखो एडियाबेटिक का ज्यादा आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक विल बी ग्रेटर देन क्या होगा वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल। सेम चीज अगर आप गैस को कंप्रेस करो टू सेम फाइनल प्रेशर, इफ कंप्रेस टू सेम फाइनल प्रेशर, तो बताओ पीवी ग्राफ कैसा बनेगा, ये प्रेशर ये वॉल्यूम, ठीक है। चलो सेम फाइनल प्रेशर तक आप एक्सपेंड या फिर कंप्रेस कर रहे हैं, कलर कोड चेंज नहीं करना चाहता हूं, सेम पॉइंट से शुरू किया, सेम फाइनल प्रेशर तक आप गए, तो बताओ फिर से क्लॉक वो रूल लगाओ, तो ये ग्राफ तो गया आपका आइसोथर्मल, ये ग्राफ कौन सा हो गया एडियाबेटिक, कंपेयर करें इस बार वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल जो है वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एडियाबेटिक से कम होगा, और दूसरा वर्क डन तो आपको भी दिख रहा है, वर्क डन एडियाबेटिक का ही क्या होगा आइसोथर्मल से ज्यादा। तो ये आपके ग्राफ्स हैं, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, कभी भी आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की ग्राफ्स कंपेयर करने हो आप मेरा राइट हैंड थंब रूल याद रखें, आप इनके अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं करो, चाहे वो सेम फाइनल प्रेशर तक एक्सपेंड करे, चाहे वो सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपेंड करे, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको तो ग्राफ बनाना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, आप प्रेशर कंपेयर कर सकते हो, वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हो, और आप वर्क भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये था अपना कंपेरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। देखें आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सिखाया, आइसोथर्मल प्रोसेस के एप्लीकेशन सिखाए, मैंने आपको सिखाया कि एडियाबेटिक प्रोसेस मेनली क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है फाइनल टेम्परेचर का, मैंने आपको ये भी सिखाया एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक की और एक इरिवर्सिबल एडियाबेटिक की फाइनल स्टेट कभी भी सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा डिफरेंट, वही मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वहीं से आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क डन कैलकुलेट करते हो, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए। नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हमेशा किससे ज्यादा आएगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक ज्यादा, कोई भी केस हो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल से क्या आएगा ज्यादा फॉर एन आइडियल गैस। फिर हमने कंपेयर रियल गैस का अपने सिलेबस में उसको हम कंपेयर भी नहीं करेंगे, फिर हमने कंपेयर किया आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस को, जहां मैंने आपको राइट एंड थंब रूल सिखाया, तो आप इस लेक्चर को ठीक से रिवाइज करें, अपने नोट्स को तरीके से पढ़ें और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू प्रोसेस दैट इज कॉल्ड प्री एक्सपेंशन, हम एक चीज सीखेंगे प्री एक्सपेंशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस की और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीरीज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे लेंगे।